नंबर वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ईलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम. ईलियम ओपन इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन. सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ईलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और यही करेक्ट स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर टू, द इंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ कैसिनोजिन इंटू कैसिन, पेप्सिनोजिन इंटू पेप्सिन, प्रोटीन इंटू पोलीपेप्टाइड्स, ट्रेप्सिनोजिन इंटू ट्रेप्सिन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होता है और ये इनएक्टिव ट्रेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है ट्रेप्सिन में. आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Chief cells, goblet cells, axyntic cells, duodenal cells. Correct answer is option B. Goblet cells mucus produce करते हैं जो कि gastrointestinal tract की lining को protect करता है from secretion of different enzymes. Question number 5, which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? Erythropoiesis actually red blood cell formation का जो process है उसको नाम देते हैं. Option है जी goblet cells, mucus cells, chief cells or parietal cells. तो इसका जो correct answer है वो है option D, parietal cells जिसको axyntic cells भी कहते हैं. ये एक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर GIF जिफ. और ये गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. विटामिन B12 फर्दर जो है वो एरिथ्रोपोइसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस तरह इनडायरेक्टली जो गैस्ट्रिक सेल्स एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है वो पेरिएटल सेल है. क्वेश्चन नंबर 6, सिक्रीटिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ. तो सिक्रीटिन हार्मोन किस चीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल और पेंक्रियाटिक जूस. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी. सिक्रीटिन हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पेंक्रियास के ऊपर और ये पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस के रिलीज होने में हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 7, मस्कुलर कंट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर सर्कुलेशन, डीग्लूटिशन, चर्निंग और पेरिस्टाल्सिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर नॉन एज पेरिस्टाल्सिस. क्वेश्चन नंबर 8, थियामीन आर विटामिन B1 डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरीबेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस और पेलाग्रा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. विटामिन B1 और थायमीन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरीबेरी डिजीज होती है. क्वेश्चन नंबर 9, टियालिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस और सलाइवा. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी. टियालिन इज आल्सो नोन एज स्लाइवरी एमाइलेज एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द स्लाइवा. और इसका काम जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करना है इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रिन. क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन पैसेज फॉर द स्वालोइंग फूड एंड ब्रीदिंग इज गुलेट, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द स्वालोइंग ऑफ फूड एज वेल एज ब्रीथिंग. क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, डिफरेंट pH रेंज. तो इसमें जो ट्रेप्सिन है और इसी तरह से पेप्सिन, ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है लेकिन ये डिफरेंट हैं मीडियम की वजह से, क्योंकि जो ट्रेप्सिन है ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है जबकि पेप्सिन फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में. तो इस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 12, परनीशियस एनीमिया इज कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 आर्थियामीन, विटामिन B12,
विटामिन सी और विटामिन डी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 या कोबालामाइन की जब डेफिशिएंसी होती है तो इससे परनीशियस एनीमिया होती है जिसमें रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन फेल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जब ग्लूकोज लेवल कम होता है तो उस वक्त ग्लूकागोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस को जो है वो स्टीमुलेट करता है जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 14, लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट इनेमल ऑफ टूथ इज ओस्टियोब्लास्ट, अमीलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, डेंटोब्लास्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमीलोब्लास्ट सेल्स जो है वो इनेमल सिक्रीट करती हैं जबकि डेंटाइन सिक्रीटिंग सेल्स हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 15, डाइजेस्टेड लिपिड्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम लैक्टियल एज ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जो डाइजेस्टेड लिपिड्स हैं वो लैक्टियल में से एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन बाय ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में दैट इज टेक प्लेस बाय मींस ऑफ सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इस वजह से जो इस प्रोसेस का नाम है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द richest सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज चॉकलेट एंड ग्रीन ग्राम, राइस एंड हैंस एग, कैरेट एंड चिकन ब्रीस्ट और गोट लीवर एंड स्पायरोलिना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोट लीवर एज वेल एज स्पायरोलिना जो कि एक सियानोबैक्टीरिया है। दीज आर द richest सोर्सेस ऑफ विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 18, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिस्पेक्टिवली 4, 5.6 एंड 9, 4.9, 4.3, 7.3, 9, 5.6, 4, 3, 7.3, 4.3 एंड 4.9। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू है 4 जबकि प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू है 5.6 जबकि फैट्स की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है और वो है 9.0 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B2 इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम NAD एंड NADP, FMN एंड FAD, NAD FAD, NADP FMN। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, विटामिन B12 विच इज़ आल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन, इट इज़ अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN एज वेल एज FAD। क्वेश्चन नंबर 20, कार्ड च्यूइंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज सैंग्विवोरस, रोमिनेंट्स, फ्रूगीवोर्स और कैनिबल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ड च्यूइंग एनिमल्स। कार्ड एक तरह का प्रोटीन फूड है जो कि स्टमक से रिटर्न होती है माउथ में फॉर द च्यूइंग प्रोसेस अगेन, और कार्ड च्यूइंग एनिमल्स को नाम देते हैं रोमिनेंट्स एनिमल्स का लाइक कैटल्स। क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैन बट एब्सेंट इन फ्रॉग, स्लाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्लाइवरी ग्लैंड मैन के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन ये एब्सेंट होता है फ्रॉग में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड प्रोड्यूसेस ओस्टियोमलेशिया, जीरोपिथेलमिया, पेलेग्रा और एनीमिया। तो
करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, निकोटिनिक एसिड और नियासिन, जो कि विटामिन B3 का नाम है, और इसकी अगर प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से पेलेग्रा डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 23, डायस्टीमा इज द टूथलेस एरिया बिटवीन राइट एंड लेफ्ट इंसाइजर, इंसाइजर्स एंड मोलर्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, बिहाइंड द मोलर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डायस्टीमा एक तरह का टूथ गैप है जो कि हर्बीवोरस मैमल्स के अंदर होता है, और ये मोस्टली प्रेजेंट होता है बिटवीन इंसाइजर्स एंड मोलर्स। क्वेश्चन नंबर 24, इंटेस्टाइनल विलाई आर मेनली कनेक्टेड विद एसमाइलेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंटेस्टाइनल विलाई आर मेनली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 25, बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, एंजाइम्स, HCL। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बाइल जूस जो लिपिड्स की या फैट्स की एमल्सिफिकेशन है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सिंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड सिक्रेट इंसुलिन, आर लोकेटेड इन किडनी एंड सिक्रेट रेनन, इन गैस्ट्रिक एपिथीलियम एंड सिक्रेट HCL, आर इन गैस्ट्रिक एपिथीलियम एंड सिक्रेट पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑक्सिंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन गैस्ट्रिक एपिथीलियम ऑफ स्टमक एंड दे रिलीज HCL एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ऑक्सिंटिक सेल्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इनको अल्टरनेटिवली जो है वो पेरिटल सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द पार्ट ऑफ द टंग दैट गिव्स फीलिंग ऑफ स्वीटनेस इज टिप, लेटरल एज, मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वीट के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द टिप साइड ऑफ द टंग, जबकि बैक साइड पे, टिप की बैक साइड पे जो है वो टंग की बैक साइड पे जो हैं वो बिटर टेस्ट के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेलुलोज डाइजेशन इन रोमिनेंट्स अकर्स इन रोमन, उमेसम, अबुमेसम, रेटिकुलम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रोमन जो कि रोमिनेंट स्टमक का फर्स्ट चैम्बर है, इसके अंदर सेलुलोज डाइजेशन होती है क्योंकि मैक्सिमम बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन सेलुलोज डाइजेशन अकर इन रोमन पार्ट ऑफ रोमिनेंट स्टमक। क्वेश्चन नंबर 29, एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन सिक्रीटेड बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, लीवर सेल्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, एंजियोटेंसिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है सर्कुलेशन के अंदर, और ये एंजियोटेंसिनोजन एक तरह का सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम रीनिन जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द मेजर कैटाइन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो मेन कैटाइन है वो सोडियम है, जबकि मेन एनायन है क्लोरीन, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेन कैटाइन है पोटाशियम।